हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स की। तो अगर आपको जानना है कितने टाइप्स के होते हैं टूर ऑपरेटर्स, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स। तो इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिस कंट्री के जो टूर ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, वो अदर कंट्रीज के जो कस्टमर होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उसको अपनी कंट्री में लेके आते हैं और उनको ट्रैवल करवाते हैं, वो हो गए इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ इंडिया के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई ट्रैवल कंपनी है, टूर ऑपरेटर्स इंडिया में है, और वो बाहर की कंट्रीज से अगर कस्टमर से डील करते हैं, जो बाहर के कस्टमर हैं, लाइक वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, यूएसए, यूके, ठीक है, या कहीं किसी भी कंट्री से वो आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो उन कस्टमर को डील करना, उनको टूर पैकेजेस प्रोवाइड करना, ठीक है, तो वो आ जाता है इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स में। तो ये क्या होते हैं कि जो किसी भी कंट्री के जो टूर ऑपरेटर होते हैं, वो अदर कंट्रीज के जो टूरिस्ट होते हैं, उनको अपनी कंट्री के टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो हो गया इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स। ठीक है, मैंने इंडिया का एग्जांपल ले दिया। इंडिया में अगर कोई ट्रैवल कंपनी है, टूर ऑपरेटर्स है, तो वो बाहर की कंट्रीज के लोगों को, टूरिस्ट्स को, ठीक है, इंडिया में लेके आएंगे, उनको टूर पैकेजेस में प्रोवाइड करेंगे, तो वो हो गए इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल, मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो सबसे इंडिया में फेमस जो लोकेशन है, जिसके लिए बाहर की कंट्री से लोग आते हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में रहती है, वो हो गया जैसे गोल्डन ट्रायंगल टूर पैकेजेस। जैसे क्या होता है, इसमें दिल्ली में आते हैं, दिल्ली से लेके फिर वो अपना जो है आगरा, ताजमहल विजिट करते हैं, दिल्ली विजिट करने के बाद ताजमहल जाते हैं, ताजमहल के बाद वो जयपुर जाते हैं, जयपुर के बाद फिर वो दिल्ली आते हैं, वहां से दिल्ली से उनकी सर्विसेज जैसे स्टार्ट होती है, उनका टूर स्टार्ट होता है, दिल्ली पे एंड होता है। तो ये हो गया कि हम बाहर की कंट्रीज के जो टूरिस्ट हैं, अगर वो हमारे इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनको हम टूर पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे इंडिया के। तो ये इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स में आ गया कि जिस कंट्री के जो ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर्स हैं, वो बाहर की कंट्रीज के कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें अपनी अपनी कंट्रीज की, टूर पैकेजेस की। तो ये हो गया इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स हो गया, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर जिस कंट्री के जो ट्रैवल एजेंट है, वो अपनी कंट्री के जो टूरिस्ट है, उनको किसी दूसरी कंट्री में जो भेजते हैं, दूसरी कंट्री के टूर पैकेजेस में डील करते हैं, तो वो हो गया आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, इंडिया की कोई ट्रैवल कंपनी है, तो वो इंडियंस को भेजती है बाहर किसी कंट्री में, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल, भूटान या अदर कोई भी कंट्री हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आउटबाउंड टूर ऑपरेटर, जो आउटबाउंड जो इंडिया के जो जिस कंट्री का वो ट्रैवल एजेंट है, उस कंट्री के अलावा उस कंट्री के जो उसके टूरिस्ट है, जो ट्रैवलर्स है, जो वहां के ट्रैवलर है, वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके आना चाहते हैं, तो उन टूर पैकेजेस में डील करते हैं, तो वो हो गया आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। सिंपली इंडिया का एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, इंडिया के जो कस्टमर है, टूरिस्ट है, उन्हें बाहर कहीं पे भी ट्रैवल करने जाना है, किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने जाना है, तो उन टूर पैकेजेस में जो डील करते हैं, वो हो गया अपना आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स की अब बात करते हैं। अब डोमेस्टिक में हो गया जिस कंट्री का जो है टूरिस्ट है, जब वो उसी कंट्री के टूर पैकेजेस में डील करता है टूर ऑपरेटर्स, तो वो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया के ही कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से कोई कस्टमर है जिन्हें घूमना है, ट्रैवल करना है, उन्हें केरला जाना है, गोवा जाना है, अंडमान जाना है या हिमाचल जाना है, तो उसी कंट्री के जब जो टूरिस्ट है, उनको वो पैकेजेस प्रोवाइड करता है उसी कंट्री के, तो वो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स की। ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो यहाँ से देखो हो गया इनबाउंड टूर ऑपरेटर, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर। तो यहाँ पे तो देखो, इन्होंने सर्विस जो है सेल्स कन्वर्ट कर दी, कस्टमर मार्केटिंग की इन्होंने, ठीक है, उस कस्टमर को जो कन्वर्ट कर दिया, लाइक वो उसको, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक टूर पैकेजेस में बात करता हूँ कि दिल्ली के कोई ट्रैवल टूरिस्ट हैं, ठीक है, उन्हें जाना है गोवा में। अब गोवा में जो ऑपरेट करेगा ग्राउंड लेवल पे, कि वहां पे क्या क्या ट्रैवल करवाना है, कौन कौन सी साइट सीन पे लेके जाना है, तो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, वो हो गए ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ गए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हिमाचल में जाना है, ठीक है, जो
जो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर है उसने अपना पैकेज बुक कर दिया, अब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स की। तो ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स फॉर एग्जाम्पल किसी को ट्रैकिंग पे जाना है, किसी को फॉर एग्जाम्पल लाइक मनाली टूर पैकेज में किसी क्लाइंट को कन्वर्ट किया, डोमेस्टिक वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या हो गया कि जो ग्राउंड टूर ऑपरेटर से ग्राउंड लेवल पे उनको सारी चीजों को मैनेज करता है, टैक्सी हो गई, होटल्स हो गए, कौन कौन सी साइट सीन पे जाना है, कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो वो उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, तो वो वहीं की मेनली ट्रैवल कंपनीज होती हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं फिर ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, जो इनबाउंड टूर ऑपरेटर हो गए, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर हो गए। इनको डेस्टिनेशन की नॉलेज होती है, उस डेस्टिनेशन की नॉलेज होती है जिनमें ट्रैवल टूर पैकेजेस अपने सेल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली अपना मार्केटिंग का, सेल्स का काम करते हैं। उसके बाद सारा ये जो छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे टूर ऑपरेटर होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपने कस्टमर डायरेक्ट उनको फिर फॉरवर्ड कर देते हैं कि इनको अब ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये इनको B2B रेट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक या आउटबाउंड इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो उसमें ये इनका फिर अपना कमीशन रह जाता है, और ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स जो सर्विस है ग्राउंड लेवल पे उसको सारा जो कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपस में टच में रहते हैं ताकि कोई भी क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है तो वो इजिली हैंडल कर सके। तो बेसिकली ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स में क्या हो गया, तो जो ग्राउंड लेवल पे पूरी चीजों को देखते हैं ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स में आ गए। तो टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर में हमने बात की, चार प्रकार के टूर ऑपरेटर्स की हमने बात की। इनबाउंड टूर ऑपरेटर की बात की, फॉर एग्जांपल जब इंडिया को बेस बना के मैं चल रहा हूँ, इंडिया में जब बाहर की कंट्रीज के लोग आ रहे हैं और उनको ये टूर पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया की ट्रैवल कंपनी, तो वो आ गया इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स में। जब इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो उन टूर पैकेजेस में जो ट्रैवल एजेंसीज टूर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं तो वो हो गया आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स में। डोमेस्टिक में हो गया इंडिया के लोगों को ही, इंडिया के टूर पैकेजेस में ही डील करवा रहे हैं तो वो हो गया डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स में, ठीक है। ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स हो गया जो ग्राउंड लेवल पे उन चीजों को, जो आइटनरी है कंप्लीट कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड टूर ऑपरेटर में हो गया। इनको डेस्टिनेशन की, उनकी ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छी नॉलेज होती है। तो ये था कंप्लीट टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर के बारे में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा YouTube चैनल है, यहाँ पे रेगुलरली मैं ट्रैवल बिजनेस, होटल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस में मैं वो सारा चीजें कवर कर सकूं, जो भी आपके डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको ट्रैवल बिजनेस होटल बिजनेस ग्रो करने में, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव अ नाइस डे।